कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आईएमएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सैयद असीम वकार हैं, हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी हैं, आरएसएस समर्थक हैं, और हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं। मेरा पहला सवाल सैयद असीम वकार आप ही से है, एक चिश्ती, दो चिश्ती, तीन चिश्ती, ये नारा लगाया जा रहा है, इस नारे के खिलाफ आवाज क्यों नहीं बुलंद होती? देखिए, जिसको नारा लगाना है वो नारा लगा रहा है, उसकी जिम्मेदारी रोकने की सरकार की। जिसको नारेबाजी का विरोध करना है वो उसका विरोध कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 135 करोड़ की आबादी है, इसमें अगर मैंने आपसे कहा कि सर तन से जुदा वाली जो ये आइडियोलॉजी है ये गलत है, मार काट वाली आइडियोलॉजी गलत है, किसी को गाली बकने वाली आइडियोलॉजी गलत है, देवी देवताओं पे कमेंट करने वाली आइडियोलॉजी गलत है, पीर पैगंबरों को बुरा कहने वाली आइडियोलॉजी गलत है, तो ये मेरी अपनी आइडियोलॉजी है। बहुत से लोग हैं जो मैं समझता हूँ इधर भी और उधर भी इस तरह की आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं। मत कीजिए जरा, ये वीडियो चला दीजिए दोबारा से। समर्थन करते हैं वो अलग लोग हैं। हाँ हाँ सर, सुनिए सुनिए सुनिए, एक बार सुनिए, सुनवा दीजिए, एक बार वीडियो चला दीजिए प्लीज। तो गोहर चिश्ती नारा लगाते हैं, उसके बाद पूरी भीड़ वो नारा लगाती है। सैयद असीम वकार, ये कोई एक दो लोग नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आप विचारधारा की बात कर रहे थे, आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। सर कुछ आइडियोलॉजी अपनी तरफ हो सकती है, लेकिन कानून के राइट साइड होना, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोग, हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। हम लोग उन लोगों का भी विरोध कर रहे थे जिस वक्त धर्म संसद में नरसंहार करने की बात की गई मुसलमानों के। हमने कहा यह गलत आइडियोलॉजी है। उस वक्त किसी चैनल ने आवाज नहीं उठाई, किसी एंकर ने आवाज नहीं उठाई, किसी पत्रकार ने आवाज नहीं उठाई, एक दो ने उठाई जो अच्छे लोग थे, जो बेहतरीन आइडियोलॉजी के जो सेकुलर लोग थे उन्होंने उठाई। हमने उस वक्त उसका भी विरोध किया, हम आज इसका भी विरोध कर रहे हैं। तो आप हम पर तो सवाल नहीं उठा सकती। हमने तो यति नरसिम्हानंद की सोच को भी बुरा कहा, हमने तो उन लोगों को भी बुरा कहा जिन्होंने महात्मा गांधी के फोटो पे और पुतले पर गोली मारी, हम आज इनका भी विरोध कर रहे हैं, इसमें हम लोगों से क्या परेशानी है? लेकिन मसला यह है कि अब अगर अरेस्ट करेंगे तो यति नरसिम्हानंद को अरेस्ट क्यों नहीं किया, सवाल उठेगा। सर धर्म संसद पर सरकार आप बार-बार धर्म संसद कह रहे हैं, सर धर्म संसद पर कोई एक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, गिरफ्तारियां हुई थी या नहीं हुई थी, जरा सा थोड़ा सा ज्ञान। और सर जी न्यूज पर बहस ध्यान से देखा कीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए, बहस बेहतर होगा, आप स्वीपिंग जनरलाइजेशन में नहीं जा पाएंगे। आपसे हाँ हाँ ठीक ठीक, हाथ नीचे कर लीजिए सर। नहीं मैं बताऊँ, हाँ मैं सुन रही हूँ। नहीं नहीं, देखिए देखिए, मैं किसी पर जाति टिप्पणी नहीं करता, मेरी अपनी एक बात है जो मैं कह रहा हूं। अगर धर्म संसद पर गिरफ्तारी हुई होती तो यति नरसिम्हानंद उस मामले में जेल में होता, उस मामले में जेल में नहीं गया। बहुत से लोग आप देखिए, कई लोग कहा करते हैं, कभी कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, कभी सर, कुछ, कभी आप कुछ, कभी कुछ। ये सर तन से जुदा का जो नारा है, बोलने के लिए आप एक इक्विवेलेंस ड्रॉ कर रहे हैं। सर आपको एक इक्विवेलेंस ड्रॉ करनी पड़ रही है, मतलब ये आपके लिए अजीबो गरीब स्थिति है इस वक्त, जिस तरह आप बात कर रहे हैं और दर्शक भी देख रहे होंगे कितना संभल संभल कर। पहले आपको नरसिंहानंद याद आ रहे हैं, आपको धर्म संसद याद आ रही है। सुनिए सर, वायलेंस राइट लेफ्ट सेंटर गलत है, उसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है कहने के लिए। नहीं तो क्या करूं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप क्या लेते सर, इनका विरोध? खाली एक सिटीजन होने के नाते ही, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते ही, एज सिंपल एज दिस सर। आप उसमें बता रहे हैं ये लोग वो लोग, तो उधर भी लोग, इधर भी लोग, इधर उधर सब लोग। सर ये जस्टिफिकेशन हो सकता है क्या नारों के लिए? नहीं नहीं, आप मुझे गलत देखिए, आप क्या चाहती हैं कि मैं इनका विरोध करूं और उनका समर्थन कर दूं?
यति नरसिम्हन का नहीं, नहीं मैं कह रही हूँ उनका विरोध करते हैं, उनका भी विरोध कीजिए और इनका भी विरोध कीजिए और उतने ही मुखर अंदाज में कीजिए। इनका भी कर रहा हूँ, इतना इतना सहमे हुए, इतने डरे हुए अंदाज में मत कीजिए। इनका भी कर रहा हूँ, आप लोग ने नहीं किया था, आप लोग असल में उनके समर्थन में। नहीं सर, अब आप लोग आ गए, मैं निजी टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूं। देखिए होता क्या है, आप वापस आ गए इस बात जो लोग झूठे होते हैं, बात समझिएगा, मैं सबकी बात कर रहा हूं, जो लोग झूठे होते हैं जिनके दिल में डर होता है वो गलत बयानियां करते हैं और जो सच्चे होते हैं वो कभी गलत बयानी नहीं करते। हम तो इनका भी विरोध कर रहे हैं, हम उनका भी विरोध कर रहे थे और हम उनका भी विरोध कर रहे थे और इनका भी करेंगे, हमें किसी का डर नहीं है। भारत के संविधान में विश्वास है, भले ही हो सकता हो कि कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो पक्षपात करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं कि एक तरफ की गिरफ्तारियां करेंगे दूसरी तरफ की नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो गलत है उसको गिरफ्तार होना चाहिए। तो इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो गौहर चिश्ती का ये जो वीडियो है सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जितने लोग नारे लगा रहे हैं होनी चाहिए इनकी गिरफ्तारी। आएंगे तो नहीं आप ये कहते हुए कि एक धर्म विशेष को टारगेट कर दिया? नहीं बिल्कुल, अगर यतीन नरसिम्हानंद को गिरफ्तार नहीं करिएगा, यदि नूपुर शर्मा पे अरेस्टिंग, यदि यदि भाई, तो अब आपको बुरा लग रहा है आपके भाई के बारे में बात की? मुझे क्यों बुरा लगेगा सर? अब आपके बड़े भाई डबल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर दी, आपको बुरा लग गया? आप ही कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की बात सर, आपको बुरा लग गया? आप नहीं सुनना चाहते हैं उसको, उसे कानून अपना काम करना चाहिए। और मुझे बुरा लगने की कोई बात नहीं है सर, आप ऐसी बातें करते हैं कभी कभी हंसी आती है। नहीं मुझे बता रहा था कोई कि आपको बुरा लगता है, नहीं, नहीं, कहा था आप अंतर्यामी है क्या सर? आपके पास कौन सी साइंस है कि मुझे क्या लग रहा है महसूस कर पा रहे हैं सर? मुझे क्या लग रहा है, ऐसी कौन सी साइंस आपके पास है नहीं मुझे कि आपको पता चल रहा है मुझे क्या लग रहा है? अंतर्यामी है क्या हो रहा था? नहीं नहीं, वो तो मुझे लगा था सुपर नेचुरल पावर्स होती है। आप अंतर्यामी भी ऐसे सिर्फ, ये पता नहीं था मुझे, ये पता नहीं था मुझे। आप विजय अवस्थी, अब विजय अवस्थी जब से ही गिरफ्तारी की बात की, पहले सदा सदा सा जवाब, सदा सदा जवाब, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तार्किक तौर पर बहस कीजिएगा, आदिति त्यागी के बारे में डिबेट, आदिति त्यागी सर बढ़िया, आदिति त्यागी से आगे डिबेट पर आइए, कोई बात नहीं, आदिति त्यागी से आगे बढ़कर डिबेट पर आइए। और इनकी गिरफ्तारी होगी तो आप कहेंगे तो नहीं ना कि ये एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? बस इतना पूछ रही थी मैं। नहीं, किसे मुझसे पूछा आपने? आप ही से पूछ रहे हो, ये सवाल मुझसे किया है आपने? हाँ हाँ, आप ही से पूछा मैंने। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जो गलत है, मैं तो कह रहा हूँ जो गलत है उसको गिरफ्तार कीजिए। अब आपने कंडीशन हटा दी है ना, ये कंडीशन अभी बरकरार है, नरसिम्हानंद भी गिरफ्तार होना चाहिए। हाँ कंडीशन अब भी बरकरार, कोई कंडीशन है ही नहीं। कंडीशन तो ये है कि जो देश के खिलाफ वो हमारे खिलाफ, जो देश के संविधान के खिलाफ हम उसके खिलाफ। सब कंडीशन तो आप लगाती हैं। नहीं 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 सर, कंडीशन तो आप लगाते हैं ना? नहीं नहीं, कंडीशन आप लगाते हैं सर। मैं तो इसे और सिंपलीफाई कर देती हूँ आपके लिए। एनीबडी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, मैं तो एज सिंपल एज दिस आपसे बात कर रही हूँ। आप ये कह रहे हैं इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए यदि एक्स वाई जी की गिरफ्तारी होती है, ऐसे ही बातें करते हैं सर आप। और दर्शकों ने देखा और सुना, आपने किसी संभल संभल कर एक फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश की। आप इस भीड़ को, इस नारेबाजी को छोड़कर धर्म संसद की बात करने लगे सर। बार बार इस बात को मैंने जी न्यूज पर आपसे कहा, वायलेंस इज रॉन्ग, आप धर्म संसद, वायलेंस का जस्टिफिकेशन नहीं है सर, कोई बात नहीं। अब विजय अवस्थी, नहीं नहीं इंग्लिश, इंग्लिश सर, कोई बात नहीं सर, इंग्लिश हिंदी सब भारत में सब सबको सब समझ आता है। इंग्लिश की चिंता मत कीजिए, आप इंग्लिश की चिंता मत कीजिए, निजी टिकट टिप्पणी भी मत कीजिए सर। देश की जनता आपको देख रही है, सुन रही है, आपका वो सदा सदा अंदाज, जब आप जवाब नहीं दे पाए, कॉर्नर हो गए तो निजी हमले, कोई बात नहीं। अवस्थी प्लीज, कैन आई हैव अवनीश अवस्थी जी? अदिति, अदिति ये सैयद असीम वकार चुप होंगे तो मैं बोलूंगा। मैं अदिति जी बड़ी साफ सी बात कर रहा हूँ, यति नरसिम्हानंद का किसी भी कोई भी व्यक्ति किसी ने समर्थन नहीं किया। कानून उसके खिलाफ जो काम कर रहा करे और जो कुछ कड़ी कार्रवाई करनी वो भी करे, लेकिन बात ये कि सैयद असीम वकार ने शुरुआत यहाँ से की, सरतन से जुदा जो नारा लगाते हैं लगाते रहे, हमें क्या लेना देना। इन्होंने विरोध तक नहीं किया उसका, शुरुआत में बिल्कुल विरोध नहीं किया। और मैं मानता हूँ इस बात में कि यति नरसिम्हानंद को कोई धमकी हमकी भी नहीं मिली शायद, मुझे लगता है कोई उनके सरतन से जुदा इतने वो करें, इतने तब से नाम ले रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कोई नहीं आया। ये हैरत लगती है मुझे कई बार, बहुत ज्यादा हैरत लगती है। अदिति जी बड़ी साफ सी बात है, इस देश में सैयद असीम वकार उस मानसिकता का प्रतिनिधि हैं जिसमें क्रिकेट में अजहरुद्दीन और श्रीसंत दोनों को
एक अपराध में अपराधी किया जाता है। श्री संत के पास कोई बचाव नहीं था, लेकिन अजरुद्दीन के पास था कि मुझे इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूं। ये है वो सैयद असीम वकार, इस मानसिकता के प्रतिनिधि। जानते हैं वकार साहब, वो बात लाखों करोड़ों लोगों ने सुनी है, वो जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस अलग कर दो, फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। लेकिन वो जो चीज़ है, वो वीडियो जो है, वो हैदराबाद पुलिस को नहीं मिला, वहाँ की कोर्ट को नहीं मिला, बरी हो गए अकबरुद्दीन अवैसी। ये तो संविधान के पक्ष में है ना ये तो बात, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। किसी और को जमानत मिल जाएगी तो कहेंगे कि देखो ये जमानत क्यों मिल गई, 24 घंटे में बाहर आ गया, 48 घंटे में बाहर आ गया, वहां तो व्यक्ति बरी हो गया, जो लाखों करोड़ों लोगों ने खुद सुनी है। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है कि जिस तरीके से यहां पर जब एक अपने आप को मुस्लिमों का नेता कहने वाला ये कहेगा कि जब मोदी पहाड़ पर चला जाएगा और योगी मठ में चला जाएगा तब तुमको बताओ कौन बचाएगा, वो व्यक्ति आज सहृदयता की बात करता है, सहिष्णुता की बात करता है, कानून और संविधान की बात करते हैं वो। वकार साहब, आप अपने आप को देख लीजिए, हमारा आपसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन जिस मानसिकता के साथ आप यहाँ पर आते हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उसका विरोध है। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों का नेतृत्व कीजिए, सकारात्मक नेतृत्व कीजिए, उनको मुख्यधारा से जोड़िए, उनको कहिए कि इस देश कोई विरोध नहीं करेगा आपका। लेकिन जब आप निहायत सैयद असीम वकार जवाब। अब मैं देखिए अवनीश अवस्थी जी जिस विचारधारा से आते हैं, पूरे देश में अवनीश अवस्थी जी उन लोगों का समर्थन करते हैं जो मुसलमानों को गालियां बकते हैं, मुसलमानों का नरसंहार की बात करते हैं। ये भले ही जबान से कुछ कहते रहे लेकिन इनके दिल में लड्डू फूटते हैं। ये हमेशा उस आदमी के साथ खड़े हुए जिसने मुसलमानों के नरसंहार की बात की। हम मुसलमान कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं है जो हिंदू भाइयों के किसी तरह से खिलाफ बोलते हैं। भाई ये नारा लग रहा है आपके सामने, मैंने विरोध किया, मैं तो कह रहा हूं जेल जाना चाहिए, लेकिन अवनीश अवस्थी जी ने समर्थन किया यतीन नरसिम्हानंद का, पूरी तरह से समर्थन किया। अवनीश अवस्थी बाबू बजरंगी के समर्थक हैं, अवनीश अवस्थी और आप लोग सब मिलकर जो भी अवनीश अवस्थी की मानसिकता के लोग हैं, ये शंभुनाथ रैगर के समर्थक हैं, हम नहीं हैं इन लोगों के समर्थक किसी के, हम देश के समर्थक हैं, हम संविधान के समर्थक हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि जो लोग भी आपने देश भी किया सर, के उसके बाद कह रहे हैं आप संविधान के समर्थक हैं, नहीं किया स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दिए आपने। देखिए आप पूरी डिबेट में एक घंटे में, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की, आपके दर्शकों से कह रहा हूं कि आप सब अलर्ट रहे हैं और बहुत कान लगा के सुने, पूरी एक घंटे की डिबेट में आदिति त्यागी एक बार भी न शंभुनाथ रैगर का विरोध करेंगी, ना पहलू सर आपको सेलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है, ना ही यतीन अमर आपको सेलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है और आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। एक बार भी आप अरेस्टिंग की बात करेंगी, आपको मुझे कुछ साबित नहीं करना है, मेरी जज जनता है सर, मेरी जज जनता है, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है, कोशिश भी मत कीजिएगा। आपने जय श्रीवास्ती आपका जवाब और उसके बाद हमारे साथ नहीं होना चाहिए कई और गेस्ट सर प्लीज, यास्मीन फारूकी हैं उनका एक कमेंट लीजिए। आप ये लीजिए एक सेकंड सुन लो सर, सुनिए सैयद असीम वकार, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, समर्थन करते हैं जो धर्म के नाम पर लीडरशिप की बात करते हो उनसे मैं इंडियन सिटीजन होने के लिए सर्टिफिकेट लूंगी क्या? उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल नहीं चाहिए। आप रखिए अपना सर्टिफिकेट अपने पास, रखिए अपने पास। एक बार भी एक घंटे की सुन भी लो ना, सेलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है सर, कोई बात नहीं। आपको वायलेंस का मतलब नहीं समझ आता सर, बता देती हूँ वायलेंस का मतलब होता है हिंसा सर, हिंसा सैयद असीम वकार, हिंसा के लिए कोई सफाई नहीं हो सकती, कोई कारण नहीं हो सकता, जस्टिफिकेशन यानी उसको सही ठहराने की कोशिश करना। नहीं, मैं वापस आपको बता रही हूँ कि मैंने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई बात नहीं सर, आप अपना सर्टिफिकेट संभाल कर रखिए सर्टिफिकेट, कोई बात। अवनीश अवस्थी, मैं अदिति जी बड़ी साफ सी बात है, सैयद असीम वकार ने कहा कि मैंने नरसिम्हानंद का समर्थन किया, समर्थन आप लोग कर रहे हैं उनका। मैंने तो ये कहा कि आपके लिए यतीन नरसिम्हानंद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको आप जीवित रखना चाहते हैं, मेरे हिसाब से उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं आप जाके FIR करिए, PIL डालिए अगर कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, लेकिन आप नहीं करेंगे, ये मुझे मालूम है ना सर, क्योंकि आपको सूट करता है। अरे भैया उसके
आप तो कह रहे हैं FIR हुई नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी आप कह रहे हैं आप लोग समर्थन कर, अभी तो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ उसके खिलाफ, समर्थन नहीं करते हैं। देखा आ गए ना, समझिएगा आ गई, सच निकलवा लिया ना, सच उगलवा लिया ना इनसे, सच उगलवा लिया इनसे, अभी सच उगलवा लिया, अपमान किया गया, FIR है उनके खिलाफ। सुनिए खुद सैयद असीम वकार के मुंह से सच उगलवा लिया कि उसके खिलाफ नहीं हो रही है, उनके खिलाफ अरेस्टिंग नहीं हो रही है। अरे आप अरेस्टिंग नहीं हो रही है, अरे यहाँ तो 15 मिनट वाला बाइज्जत बरी हो गया, विशेष मानसिकता काम कर रही है, 15 मिनट वाला बाइज्जत बरी हो गया, वो वीडियो ही नहीं मिला हैदराबाद पुलिस को। देखिए उसके बारे में कुछ तो ज्ञान दीजिए।